साथियों, दिल्ली में कल से येलो अलर्ट जारी है और ये इसलिए है क्योंकि बीते 24 घंटे में दिल्ली ने पूरी मॉनसून का 20% रेन 24 घंटे में ही देख लिया। 150 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है 24 घंटे में, जो 20% ऑफ द टोटल रेन मॉनसून सीजन में रहती है। बारिश अभी भी जारी है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, लगातार काम चल रहा था और पिछले साल ही करीब 165 ऐसे हॉटस्पॉट्स जहां बारिश में वाटर लॉगिंग होती है वो आइडेंटिफाई कर लिए थे। ये वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि बहुत जगह पर अब अलार्म्स हैं, अगर वाटर लेवल राइज होगी तो पता चलेगा। हाई कैपेसिटी सम्प्स इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं, ऑटोमेटिक पंप्स भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं, ऑल्टरनेट ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा चुका है, कई जगहों पर रोड की हाइट बढ़ाई गई है। इनमें से एक एग्जांपल है जो आईपीए स्टेट की रिंग रोड है WHO बिल्डिंग के पास। जून 15 तक 7,86,497 मेट्रिक टन्स डीसिल्टिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। 128 पंप हाउसेस इंस्टॉल हो चुके हैं जिसमें 700 पंप्स हैं, इनमें से 11 पंप ऑटोमेटिक सेंसर वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 201 नेचुरल ड्रेन्स को कंप्राइज करता है, जो फर्दर डिवाइडेड है नजफगढ़ बेसिन में, बारापुल्ला बेसिन में और ट्रांस यमुना बेसिन में। इसको लेकर भी हाल ही में एक टेंडर इशू किया गया था, जो अलॉट किया जा चुका है, कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिए जा चुके हैं, जिनका काम ये रहेगा, जो दिल्ली आईआईटी ने एक रिपोर्ट बनाकर वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की एक रिपोर्ट बनाई थी, उसको इम्प्लीमेंट करना इन कंसल्टेंट्स का काम रहेगा, जो काम अगले एक साल तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इससे दिल्ली की सारी ड्रेनेज नेटवर्क जो है वो रीमॉडल हो जाएगी। इस ये तो दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और मैं और अरविंद केजरीवाल जी लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे सारे विधायक और मंत्री भी आज सुबह से इतनी भारी बारिश में हर जगह इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे कि इतनी बारिश के बाद भी जो बहुत हॉटस्पॉट्स होते थे उनमें बहुत लंबे समय तक इस बार वाटर लॉगिंग नहीं हुई और वो इन्हीं मेजर्स के कारण है। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो रेन हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ रेन हुई है, ऐसा बताया जा रहा है, 4 दशकों की सबसे ज़्यादा रेन अभी तक की मानसून में रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा अभी हथनीकुंड बारिश से भी 45,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है, जिससे ये संभावना बनी है कि 11 तारीख को यमुना में भी फ्लड आने की संभावना है। इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशानुसार हमारी PWD मिनिस्टर आतिशी जी ने फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया है ऑलरेडी, जिसके तहत सेफ जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको सेफली रिलोकेट किया जा रहा है। जो टूल्स इक्विपमेंट्स इसको नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन सबको इंस्पेक्ट किया जा चुका है, दे आर ऑल इन वर्किंग कंडीशन। जो 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, 24 घंटे CCTV द्वारा मॉनिटरिंग करी जा रही है। ये सब हम लगातार दिल्ली सरकार पहले से काम करती आ रही है और करती रहेगी, ये चल रहा है। ये तो हुई दिल्ली की बात साथियों, अब ये बारिश तो पूरे देश में इस टाइम हो रही है, तो मैं आपके समक्ष कुछ वीडियो और कुछ आर्टिकल, जो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये आपको दिखाना चाहूँगी ताकि हम ये पूछ पाएं कि क्या
इन लोगों की, उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की, कश्मीर में रहने वाले लोगों की, गुजरात में रहने वाले लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? बारिशों ने इतना नुकसान किया और लगातार लोगों की जान पर बनी हुई है, तो वहाँ की सरकारें क्यों हाथ पे हाथ धरी बैठी है और हमें कुछ भी करती क्यों नहीं देखती? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।